तो हम अभी मस्जिद से आए और हम रमजान की ग्रोसरी करने वाले और हाँ जी, रमजान में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके हम ग्रोसरी करेंगे सबकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए। फोर बैग्स ठीक जाओ अलग बहुत अच्छे हैं, लोगों की चीज़ें बहुत फ्रेश होती है। हाँ क्योंकि बेकरी है ना ये पीछे, तो ये नया या ताज़ा बना के बड़ा रोटी मेकर। You want some? I finally opened it with my teeth. Is it good? सबसे बड़ी बात इनके टेस्ट की नहीं है, फ्रेशनेस की है। ये चीज़ बिल्कुल फ्रेश आपको तंदूर में से निकाल के देते हैं। बड़ी बड़ी रोटीज़ यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं, रोटी मेकर्स हैं इनके पास, ये मशीनरी सारी, तो ये लोग रोटी तैयार करते हैं आपके सामने स्पेशल लगा के देते हैं, पैटीज तैयार करते हैं स्पेशल देते हैं, और दूसरे देसी बेकरी के आइटम्स भी होते हैं। तो मम्मा इसे खाते हैं, सारा कुछ तोड़ के उसकी इनसाइड उसकी गट्स और आधा नीचे गिरा दिए मेरे ऊपर। तो ये ग्रोसरी शॉपिंग की शुरुआत है क्योंकि लोग अभी अभी मस्जिद से वापस आए हैं। ईशा, व्हाई आर यू सिटिंग हियर? I'm a child. So where I'm gonna put the groceries now? Okay. So चूंकि हम इस साइड पे आए हैं तो हम लोग ग्रोसरी की शुरुआत मसालों से करेंगे। I'm not a masala. Next हमारी एंट्री जो है वो फ्रोजन सेक्शन में है। यहाँ से हम सबसे पहले नान लेंगे। Maybe it'll work now. Make time for it regardless. कनेक्शन ये है कि हम हर डिनर के लिए हम कोई स्नैक बनाते हैं, या समोसे होते हैं या तो वो लेते हैं गोल का, तो ये थी हम ले रहे हैं और पियोनी हमें बहुत अच्छा लगता है। हम तो रमज़ान के लिए हमने अपनी सारी ग्रोसरी कर लिया और शहरी में हमें बहुत अच्छा लगता है पियोनिया खाना और हमारा फेवरेट सबसे लाइक चीज़ पराठे हैं। तो इफ्तारी में हमारी बहुत स्पेशल चीज़ें होती हैं जो हमारी सबकी फेवरेट्स होती हैं। एक हमारी फ्राइड चीज़ है समोसा पट्टी जिसमें हम डिफरेंट फिलिंग्स लगाते हैं, और ये पफ पेस्ट्री की शीट्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें लगाते हैं। फ्रूट चाट रोज बनती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्रूट चाट रोज बनती है, और इसमें हमारी फ्रूट्स हैं पोमोग्रेनेट, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस और पेयर्स, बनानास और ग्रेप्स। तो ये हमारी फ्रूट चाट बन जाती है और ये बहुत अच्छी बन जाती है। और ये हमारे दही भले, ऑफ कोर्स इसके बगैर तो अफतारी हो ही नहीं सकती। और ये हमारे चने हैं, हम ढेर सारे आलू लाए हैं कि हम चना चाट बनाएं। और बिरयानी के बगैर अफतार कंप्लीट नहीं होती है, हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये हमारी सबकी फेवरेट है। तो हमने सब तो आज हम स्पेशल रमज़ान की ग्रोसरी के लिए गए थे। पिछली दफ़ा जब रमज़ान आया था तो मैंने थोड़े से रोज़े रखे थे। इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ी सी और बड़ी हो गई हूँ, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं सारे रखूँ। और मुझे वाइब बहुत अच्छी लगती है रमज़ान की, मतलब फीलिंग आती है बहुत हैप्पी वाली। हम सर्दी के टाइम उठ के सारे पराठे खाते हैं और लस्सी पीते हैं और फिर हाँ जब सब जॉब से और स्कूल से टाइम हो जाता है फिर हम सारा लोगों के लिए हैप्पी रमज़ान। और आप लोग भी अपनी इफ्तारी और सहरी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और को मुझे बहुत हंसी आ रही है। बाय बाय। मुझे बहुत हंसी आ रही है। बाय बाय। आ करो बस। अच्छा Happy Ramzan. Happy Ramzan.